नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन अहम खबरों पर जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, साथ ही अब तक की खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर दिन भर रहेगी नजर। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में पंजाब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है आज। केंद्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, प्रदेश प्रभारी प्रभात झा और प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बैठक दोपहर के करीब 2 बजे शुरू होगी। बैठक के बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। तो इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं। अगली अहम खबर की बात करें तो सदन के बाद अब सड़क तक पहुंची जाति सूचक शब्दों की सियासत। दरअसल कांग्रेस आज पूरे पंजाब में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। अकाली दल विधायक विरसा सिंह बलचोहा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं अब तक की कुछ और खबरों का विस्तार से। आम आदमी पार्टी के नेता और संगरूर से सांसद भगवंत मान सियासी मंच पर तो नहीं लौटे हैं, लेकिन उनका सफाई वाला वीडियो जरूर सामने आ गया है। मान ने वीडियो में कहा है कि वो निजी कामों के चलते रैली और बैठक में हाजिर नहीं हो सके, साथ ही पार्टी से नाराजगी की बात को उन्होंने अफवाह बताया। भगवंत मान का नंबर तो बहुत पहले का लग्या हुआ सी, दिल्ली से कांग्रेस के नाल रल मिलके राहुल गांधी नाल मीटिंग भी हुई सी। अगर गायब है तो सी रिपोर्ट दर्ज कराओ थाने दे विच के पालो जी साडा बंदा गायब हो गया। देखो ये सब अलावा जी फुटना ही सी, क्योंकि किसा कोई सोच नहीं, हर बंदा इत्थे चाहुंदा है पावर ग्रैबिंग दे मूड च सी। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान पर कुछ इस तरीके से वार हो रहे थे। अचानक सियासी सीन से भगवंत मान गायब क्या हुए, लगातार सवाल उठते रहे। किसान मैनिफेस्टो के जारी होने के बाद से भगवंत मान नजर ही नहीं आए। सवाल और कयास तेज तब और हो गए जब छपार मेले की सियासी स्टेज से भी भगवंत मान गैर हाजिर रहे। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनके रिश्ते भी आम आदमी पार्टी से टूट सकते हैं, पर फिर सवालों और कयासों पर अंकुश लगाते हुए भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपने अचानक गायब होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ निजी काम थे जिसके लिए उन्होंने छुट्टी ली थी और उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। बागा पुराना रैली तो बाद मैं 2-3 छुट्टियां लिया सी अपने निजी काम लई, कुछ रिश्तेदारियां कुछ दोस्तों मित्रों नूं कुछ मिलना सी, जरूरी काम सी। मैं ता करके पिछले 2-3 दिनों तो कोई मेरी फेसबुक ते जां कोई पंजाब दे विच कोई एक्टिविटी नहीं सी। इहनूं इह मान लेना कि पता नहीं मेरी तो कोई नाराजगी है, पता नहीं मैं कुछ मंगदा, पता नहीं मैनूं कढ़न लगे ने, पता नहीं मैनूं छड्डन लगे ने, यह सब कोरा झूठ है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता हैं और ऐसे नेता की सक्रियता नजर ना आना सवाल जरूर खड़े करती है और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए भगवंत मान को भी सामने आना पड़ा। मानसा से बलदेव शर्मा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया अमृतसर।